भाई मैं तो किसी को 2 सालों से भी जानता रहूं तब भी उसके कहने पर कहीं से ना कूदूं, लेकिन ये ईशा मैडम तो कुछ ही देर पहले मिले अजनबी के एक बार कहने से ही इतनी ऊंचाई से कूद गई। अरे बहन, अगर जरा सा कदम भी आगे हो जाता ना तो थोबड़ा खुल जाना था। और शिवा की चालाकी देखिए, इन्होंने सबको तो ट्रस्ट मी कहकर कूदवा दिया, पर जब खुद कूदने का टाइम आया तो बॉडी डबल से सीन शूट करवाया। मस्त प्लान है। हद है यार। यार सोचने वाली बात यह है कि जब ईशा के पास कोई पावर नहीं थी तो शिवा उसे जुनून आर्मी के पास लेकर क्यों आया? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या लाइटर जलाने का काम ही तो करती थी, अब ये काम तो शिवा खुद भी कर सकता था ना, क्योंकि शिवा को तो अपनी शक्ति कंट्रोल करना आ गया था। और इसे देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। शिवा बारिश होने पर कहता है कि ईशा इस आग को बुझने ना देना, और ये देखो हमारी ईशा मैडम कैसे आग बुझने से बचा रही है। अरे यार, इन नेपोटिज्म वालों को कोई समझाए कि बारिश ऊपर से होती है तो साइड में हाथ नहीं लगाया जाता, ऊपर हाथ लगाया जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये भैया इतने बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन फिर भी इन्होंने इतना सस्ता मटेरियल अपने घर में क्यों लगाया था? यार एक चेयर के लगने से ग्रिल टूट गई। ये क्या है? जब फिल्म के साइंटिस्ट यानी कि शाहरुख भैया अपने अस्त्र को लेने वापस आते हैं तो विलेन उन पर हमला कर देता है, लेकिन एक मिनट, ये कैसा फेस बना रहे हैं? अरे यार कोई इनको समझाए कि ये मूवी तुमने हिस्टोरिकल पर्पस से बनाई थी, इसमें ऐसे फेस बनाओगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये कौन से टाइप की ब्रह्मास्त्र चल रही है। ये बंदा शाहरुख खान को पंच मारता है तो शाहरुख खान स्टंट करने लगते हैं, लेकिन ये क्या, ये कौन से शाहरुख खान है? अरे भाई तुम लोग कहते हो कि इस मूवी को बनाने में 4 साल लगे हैं, लेकिन ये तो किसी भी एंगल से ऐसी नहीं लग रही है कि इतने टाइम में बनी है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म में स्टंट मैन का फेस पूरा का पूरा दिख रहा है। अरे भैया अगर बॉडी डबल से ही सीन शूट कराना था तो कम से कम इसे शाहरुख की हाइट का तो लेना चाहिए था। अभी छपरी निब्बे की तरह ईशा को फेसबुक पर स्टॉक करता है और पहुंच जाता है उसके दिवाली इवेंट में। वहां जाकर शिवा कहता है कि मैं वाराणसी जा रहा हूं, लेकिन ये क्या, ईशा मैडम भी एकदम से 2 दिन पहले मिले अजनबी लड़के से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मतलब आर यू सीरियस? कुछ भी। अब आते हैं आर्टिस्ट और बोलते हैं कि मेरे इस अस्त्र में 1000 नंदियों की पावर है। 1000 नंदी बोले तो 1000 बुल, लेकिन इनसे एक ट्रक भी नहीं धकेला जा रहा। अगर इनमें 100 नंदियों की पावर भी होती तो आराम से इसको उठाकर फेंक देते, लेकिन फिर इन्होंने जैसे तैसे करके ट्रक को नीचे फेंक दिया। पर ये क्या, ये तो खुद भी उसके साथ नीचे गिर गए। अरे भाई जरा तो दिमाग लगाना चाहिए था ना। अभी तो बेचारे शिवा और ईशा का रोमांस वाराणसी में शुरू ही हुआ था कि एकदम से शिवा के हाथ में आग लग जाती है। लेकिन ये क्या, अरे बहन अगर किसी को आग लगे ना तो आग पर पानी डालना चाहिए, और तुम तो नदी के पास में खड़ी हो, तुम्हें तो सीधे नदी में धक्का दे देना चाहिए था ताकि आग बुझ जाए। लेकिन ये मैडम तो सवाल कर रही है कि शिवा तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? हाँ, जैसे तुम तो 10 साल से जानते हो ना एक दूसरे को। भाई साहब हम आपको याद दिला दें कि आप 2 दिन पहले ही एक दूसरे से मिले हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना कि ब्रह्मास्त्र का सबसे फनी सीन कौन सा था तो मैं इसी सीन को बताऊंगा। आप देखिए शिवा और ईशा गाड़ी में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इन पर कोई हमला कर देता है और वो लड़की ईशा को गाड़ी से खींचने लगती है। लेकिन एक मिनट, ये लड़की तो ईशा है ही नहीं। कंट्रोल। और ये क्या है भाई साहब, यहाँ साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी कोई अंग्रेज चला रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर लगता है कि शिवा स्टीयरिंग संभाल रहा है। भाई साहब मैंने पहली बार ऐसी फिल्म देखी है जिसमें बॉडी डबल का फेस क्लियर नजर आ रहा है। और ये कहते हैं कि 4 सालों में 400 करोड़ खर्च करके ये फिल्म बनाई है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, ये तो 40 करोड़ की भी फिल्म नहीं लग रही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस मूवी में कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।